इनको अगर मौका दिया जाता है तो आप गरीबों को सबसे पहले कुचलने का काम करते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं। एक बार वो सत्ता से और बाहर हो गए तो यहाँ भाजपा आजसू जीवन में कोई ना झंडा दिखेगा ना कोई व्यक्ति दिखेगा। और जो जनप्रतिनिधि पिछले 30 साल से आप लोग चुनते रहे हैं, उन्होंने जो दशा इस शहर का किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड चुनाव पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर जाकर टिक गई है। दरअसल नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ राज्य में जुबानी जंग भी और ज्यादा तेज होती जा रही है। वहीं बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो दो सूची जारी की। एक सूची में केवल महुआ मांझी के नाम का ऐलान किया गया, उन्हें रांची से टिकट दिया गया है। वहीं देर रात आई एक और सूची में कुल 5 प्रत्याशियों के नाम है। इस तरह 3 लिस्ट जारी कर झामुमो ने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण के लिए गुरुवार यानी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। झारखंड में कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। जेएमएम के कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया है जिसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। उन्होंने गांडे से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने 24 अक्टूबर को शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन झारखंड में 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वो 2014 से बरहेट से विधायक हैं। पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे या पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। पूरे विपक्ष के पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। दादा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है झारखंड में। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं, क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या? इसके साथ ही गांडे विधानसभा सीट के लिए, जैसा कि आपको बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने कल्पना सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। गुरुवार यानी आज कल्पना सोरेन गांडे के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी है। इस दौरान राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी मौजूद थे। गुरुवार को नामांकन के बाद कल्पना सोरेन ने पत्रकारों से बात की, कहा कि गुरुवार को उनके अलावा उनकी पार्टी की टिकट पर गिरिडीह से सुदिव्य कुमार और जमुआ से केदार हाजरा ने नामांकन किया है। कहा कि चंद महीनों के कार्यकाल में उनके द्वारा गांडे के समुचित विकास करने का प्रयास किया गया है। सड़कों का जाल बिछाया गया, बच्चियों के लिए स्कूल दिया गया। कहा कि उन्होंने चंद महीनों में ही विकास की गंगा बहाई। इसके साथ रांची विधानसभा सीट के जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने रांची समाहरणालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ महुआ पूरे विश्वास के साथ नजर आई। आपको बता दें कि महुआ के सामने इस बार भी रांची के पुराने 6 बार के विधायक सीपी सिंह खड़े होंगे। हालांकि पिछले चुनाव में महुआ की हार हुई थी लेकिन झामुमो को वोट की बढ़त मिली थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि महुआ मांझी और सीपी सिंह में कौन रांची से फतेह करता है। नामांकन का समय है और आज हम लोग नामांकन किए हैं और गांडे से, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी जो सेवा आपने दी है फिर मैं मुझे मौका दीजिए और मैं उस सेवा में पूरी खड़ी हूँ। बस मैं रांची वासियों से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगी कि एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी पार्टी और महागठबंधन पर भरोसा कीजिए। हम लोग इस राजधानी को मेट्रो सिटी बनाएंगे। हमें हम
तमाम जो समस्याएं हैं शहर में लगातार लोग जिससे जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाएंगे। और जो जनप्रतिनिधि पिछले 30 साल से आप लोग चुनते रहे हैं, उन्होंने जो दशा इस शहर का किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नली गली गंदगी कचरा मच्छर हर चीज़ से ये राजधानी कहीं से राजधानी नहीं देखती। हम लोग मिलकर इसे राजधानी बनाएंगे ताकि लोग दूर दूर से इसे देखने आए। एक बड़े विजन के साथ काम करना है, क्योंकि मैं खुद एक साहित्यकार हूँ, एक संस्कृति कर्मी हूँ, एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, साहित्यकार हूँ, तो देश विदेश में बड़े बड़े आयोजनों में बुलाते रहे हैं लोग, तो हर तरह से हर मैं देश विदेश में घूम कर बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने देखा है। तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लाकर इस शहर को आगे बढ़ाऊँगी, सुंदर बनाऊँगी, यहाँ विभिन्न संस्थान बनाने में योगदान दूँगी। एक बार मौका देकर देखिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बस आप लोगों की शुभकामना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और 13 तारीख को 13 नवंबर को एक बार आप लोग आके वोट जरूर करें ताकि मैं विजयी बनूं और आप लोगों की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। भैया सम्मान योजना है क्या, वो भी बड़ा मुद्दा रहेगा इस पर चुनाव में? देखिए, ये इस तरह की तो बहुत सारी योजनाएँ माननीय हेमंत जी ने लॉन्च की है महागठबंधन की सरकार में। महिलाओं को इसलिए ज़्यादा सशक्त करने की कोशिश की गई, महिला सम्मान योजना हो गया, फिर आपकी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पोटो हो खेल योजना, पुरुषों के लिए भी बहुत कुछ है, युवकों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लेकिन बहुत सारी योजनाएं। तो ये है कि यहाँ के जो बच्चियाँ मैंने भाजपा के कार्यकाल में, भाजपा यहाँ 2000 से लेकर 2024 के अंदर 17-18 साल तक यहाँ सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार थी, कई मुख्यमंत्री हुए। उस समय लड़कियों की तस्करी, दलाल लोग आते थे बाहर से, उनकी तस्करी करते थे, नौकरी देने के नाम पर बाहर ले जाकर हर तरह से उनका शोषण होता था, वो चरम पे थी। एक ट्रैफिकर जो थे वो 15,000 लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, पन्नालाल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकर्स थे, माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे ख़त्म किया, यहाँ उनको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा, शिक्षा से जोड़ा, और हमें उस मिशन को भी पूरा करना है और साथ ही अपने शहर का डेवलपमेंट करना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।